नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रीति आपके साथ। आज 30 अक्टूबर है और वक्त हो चुका है दिन भर के फटाफट खबरों का। चंद्रपुर शहर के बागला चौक परिसर में स्थित होटल के मालिक के साथ होटल में काम कर रही महिला के अनैतिक संबंध होने के शक से होटल मालिक की पत्नी तथा बेटियों ने मिलकर उस महिला के घर जाकर महिला के बाल काटे तथा चेहरे पर काली पोतते हुए मारपीट की। इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद होटल मालिक की बीवी तथा बच्चों पर गुनाह दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पीड़ित महिला यह विधवा होकर अपने बच्चे के साथ भिवापुर वार्ड में किराए के मकान में रहती है, जिसके बाद इस मामले को लेकर परिसर में चर्चाओं का वातावरण गर्म है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। चंद्रपुर के पोंबुरना में सुधीर मुनगंटीवार की पहल से बनने जा रहा है MIDC। इस MIDC में कई कॉरपोरेट निवेश करने की है जानकारी, जिसके लिए सुधीर मुनगंटीवार जल्द ही कुछ कॉरपोरेट के साथ बैठकर उनसे MIDC में नए उद्योग स्थापित करने का करेंगे अनुरोध। इस MIDC की शुरुआत से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, साथ ही इन कॉरपोरेट द्वारा CSR खर्च करने पर होगा परिसर का विकास। गढ़चांदूर में पुलिस कर्मियों ने लगाए बैलगाड़ियों को रेडियम के स्टिकर। दरअसल रात के दौरान खेत का काम खत्म होने के पश्चात बैलगाड़ी से अपने घर जाने वाले किसानों की बैलगाड़ी अंधेरे में दिखाई नहीं देती, जिसके चलते कई हादसे होने की संभावना बनी रहती है। इस पर उपाय करते हुए गढ़चांदूर में पुलिस कर्मियों ने बैलगाड़ियों पर रेडियम स्टिकर लगाने का उपक्रम शुरू किया है। गुगुस के पास वर्धा पैनगंगा और निर्गुड़ा नदी के त्रिवेणी संगम पर वड़ा में नदी में कपड़े धोने अपने दादी के साथ पहुंची पोती की नदी में बह जाने की है खबर। एक ओर दादी कपड़े धोने में व्यस्त थी तो दूसरी ओर किनारे पर खड़ी 4 वर्षीय पोती कस्तूरी गुरनुले अचानक नदी में गिरने से बहने लगी, जिसके बाद गुगुस पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तो वही समाचार प्राप्त होने तक बह गई बच्ची की तलाश जारी है। हेरिटेज वृक्षों को संरक्षित वृक्षों का फलक लगाने की इको प्रो ने की मांग। महानगर पालिका के आयुक्त राजेश मोहिते को इको प्रो पर्यावरण विभाग की ओर से सौंपा गया निवेदन, जिसमें 50 वर्ष आयु के वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष घोषित करते हुए इनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेने के साथ इन वृक्षों को चोट पहुँचाने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गयी। ठाकरे बिल्डर्स चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है उसमें आउटडोर की गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे बाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वनी के गोपाल नगर में पानी से भरे गड्ढे में एक अज्ञात व्यक्ति की डूबने से हुई मृत्यु। गौरतलब है कि 3 महीनों पहले इसी गड्ढे में एक नाबालिग बच्ची की भी डूबने से गई थी जान, तो वही अब यह दूसरी घटना प्रकाश में आने से परिसर में मची है खलबली। पुलिस को खबर देने के पश्चात जानकारी आई है सामने कि 33 वर्षीय मृतक दौलत पुसना के ऐसा मृतक का नाम है जो पिछले 3 दिनों से लापता होकर सुकने गांव का निवासी था। शेगांव बस डिपो में एक ST चालक ने की आत्महत्या। शुक्रवार की सुबह इस घटना का खुलासा हुआ, जिसमें दिलीप काकड़े नामक ST चालक ने अपने बस के पीछे रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की सुबह आत्महत्या की खबर पूरे परिसर में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिलते ही आगे की कार्रवाई की जा रही है।
टॉलीवुड अभिनेता पुनीत राजकुमार का बीते दिनों शुक्रवार को हुआ दुखद निधन। दिल का दौरा आने से पुनीत को बेंगलुरु के विक्रम रुग्णालय में किया गया था दाखिल, किंतु उनके निधन वार्ता से पूरे टॉलीवुड में छा गया सन्नाटा। सोशल मीडिया पर उनके फैंस तथा सेलिब्रिटियों की ओर से शोक व्यक्त किया जा रहा है, तो वही अंतिम दर्शन के लिए जमा हो रही भीड़ पर नियंत्रण पाने हेतु अनेक भागों में कलम 144 लागू की गई है। शासकीय तथा सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 9 महिला अधिकारियों का महाराष्ट्र की नव दुर्गा के रूप में चंद्रपुर जिला राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की ओर से किया गया सम्मान। इस समय इन नवदुर्गाओं को पुष्पगुच्छ के साथ सम्मान पत्र देकर उनके कार्य की प्रशंसा की गई। नागपुर के महाल परिसर में हत्या का मामला सामने आने से मची खलबली। कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत नर्सिंग टॉकीज के पास एक युवक की नुकीले हथियार से सिर पर वार करते हुए हत्या कर दी गई। कमलेश गिरडे उम्र 25 ऐसा मृतक का नाम है, जो मजदूरी पर किसी निर्माणाधीन कार्य परिसर में काम करता था और शाम के समय अपने सहकारियों के साथ पैसों के चलते हुए विवाद में सहकारियों द्वारा हत्या कर दिए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।